लेकिन तब ये दुखद ये है कि जिस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान पे हुआ और जिस कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहा जाने लगा, जिन्ना ने जिस गांधी को हिंदू नेता कहा और जो हिस्सा हिंदुओं के उसमें आया। नहीं मनीष जी, ये बड़ी साजिश के तहत आज मैं बिल्कुल एकदम नया एंगल दे रहा हूँ। ये बहुत पढ़ाया जाता है कि जिन्ना जो है उनको हिंदू पार्टी कहता था, गांधी को हिंदू बनिया कहता था, ये सब बातें पढ़ाई जाती है और इसी को कम्युनिस्टों ने कांग्रेसियों ने खूब पढ़ाया, खूब लोगों की घुट्टी में कर दिया। ऐसा नहीं था। अब समझिए, वो जानबूझकर ये फैलाया गया ताकि जो नेहरू ने पाकिस्तान का सौदा कर लिया था हिंदुस्तान के दो टुकड़े करने का, तो यहाँ हिंदुस्तान की जनता जूता लेके उसको ढूंढना शुरू कर दे तो पता कि नहीं, जिन्ना तो इनको हिंदू कहता था कि हिंदू पार्टी है, कांग्रेस गांधी हिंदू नेता है, हिंदू बनिया है, जवाहरलाल नेहरू हिंदू नेता है, तो ये पंडित है, अपने नाम में पंडित जोड़ लिया उसने। ये जानबूझकर कहलवाया गया, ये जानबूझकर कहलवाया। वो कहता हिंदू बिंदु नहीं कहता था, वो दोनों की सेटिंग थी कि हम इतना टुकड़ा करके बेच देंगे और नेहरू ने वो जो जमीन का टुकड़ा था जहां पाकिस्तान बना है वो बेचा। उस बेचने वाले कुकर्म में देश में आग लग जाती, नेहरू पर रहना मुश्किल हो जाता, घर से निकलना मुश्किल हो जाता। तो उसको जिन्ना से कह दिया कि तुम जरा मुझको हिंदू कहो और इस गांधी को क्या उसके लिए देश में जो बातें कही जाती है यहाँ हम तो कार्यक्रम में बोल नहीं सकते, इस गांधी को तुम हिंदू बनिया कह दो तो ये भी बच जाएगा, अन्यथा इसका निकलना दूभर हो जाएगा। खैर उसको बाद में नाथूराम गोडसे ने उसके साथ जो किया दुनिया ने देखा, लेकिन ये तो ये नाथूराम गोडसे वाली घटना तो बहुत बाद में हुई। अगर वो ये अफवाह ना फैलाई जाती, जिन्ना के मुंह से कहलवाया ना जाता ये हिंदू पार्टी है, हिंदू बनिया है, तो 16 अगस्त को नेहरू और गांधी का हिसाब किताब इस देश की जनता कर देती। 16 अगस्त को, 15 अगस्त को हुआ था, 16 अगस्त को फैसला हो जाता, तो जानबूझकर ये फैलाया गया कि ये हिंदू पार्टी है, ये हिंदू नेता है, और इसीलिए कमाई उसके बाद ही खाते रहे चुनावों में भी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मुझे लगता है व्यूअर्स को ये हिस्सा जो है वो जरूर से अलग करके साझा करना चाहिए। शॉर्ट्स में जो एक मिनट का होता है वो बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है, ये बहुत जरूरी है इस चीज को। ये कैसा भ्रम इस देश में फैलाया गया कि हिंदुओं के हिस्से में ये देश जो हिस्सा आया उसमें सबसे ज्यादा साजिश थी। नेहरू ने सेटिंग करके जिन्ना से कहलवाया कि जाओ तो तुम लेके तो जा रहे हो, तुम जरा हम लोग को कह दो हिंदू पार्टी है, हिंदू बनिया है, तो हम बच जाएंगे, नहीं तो हमको 16 अगस्त को हम जिंदा नहीं रहेंगे, इस देश की जनता हमको खा जाएगी कि हमने जिस तरह के सौदा भारत माता के दो टुकड़े करवा दिए, अब हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा इस देश में, तो कहलवा दिया कि ये तो हिंदू नेता है। ये बहुत गंभीर मामला है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है।